हेलो गाइस, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल टेक्निकल अजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वीवो के B23 फोन के न्यू सिस्टम अपडेट के बारे में। फाइनली दोस्तों, मई के महीने का अपडेट आ चुका है वीवो के B23 फोन का। फाइनली कितने एमबी का अपडेट है, क्या वर्जन है, क्या क्या चीज इसके अंदर इंप्रूव किया गया है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। एंड आपको कहाँ से अपने फोन को अपडेट करना है, अगर आपके फोन के सेटिंग के अंदर अपडेट के अंदर शो नहीं कर रहा है कोई भी अपडेट न्यू, तो फाइनली आप लोग को कहां पर मिलेगा अपडेट एंड कैसे डाउनलोड करके एंड अपडेट करना है, मैं आप लोग को इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे पास वीवो का B23 फोन है एंड मेरे फोन में अपडेट आ चुका, आप लोग देख सकते हो वीवो का B23 फोन है और इस फोन में अपडेट आ चुका है जो कि मई के महीने का। तो यहां पर आपको दिखाता हूं कितने एमबी का अपडेट है, क्या वर्जन है, क्या क्या चीज इसके अंदर इंप्रूव किया गया। अगर आपके फोन में अपडेट के अंदर शो नहीं करता है तो कहां से आपको अपडेट करना है, तो यहां पर आपको सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके आ जाना है, नीचे आओगे तो आपके फोन में सिस्टम अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिस्टम अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, सिंपल सी बात है। आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके फोन में यहां पर कोई भी अपडेट शो नहीं करेगा। पहले वाला वर्जन है 13.1.15.12 का, तो यहां पर पहले पुराना अप्रैल के मंथ का यहां पर हमें शो कर रहा है। लेकिन आपको एक कोने में सेटिंग मिल जाता है, सेटिंग में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको मिल जाता है ट्रायल वर्जन। ट्रायल वर्जन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ट्रायल वर्जन पे क्लिक करोगे तो आपके फोन में न्यू अपडेट आ चुका है, न्यू अपडेट आ चुका है वीवो के B23 पे। हम क्लिक करते हैं यहां पर तो देख सकते हो यहां पर हमारे फोन में न्यू अपडेट, वो भी मई का महीने का अपडेट है। यहां पर देखोगे तो न्यू अपडेट वर्जन, जहां पर वर्जन है इसका है 13.1.15.13 का वर्जन है W13। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो इस तरीके का अपडेट आ चुका है और इसका साइज देखो तो 251 MB का हमें अपडेट मिल जाता है। अब दोस्तों नीचे देखो तो हमारे सिस्टम में अपडेट तो द मई 2023 गूगल सिक्योरिटी बैचेस तो इंप्रूव द सिस्टम सिक्योरिटी, ये हमें मिलता है मई के महीने का और मई का महीना चल भी रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वीवो कंपनी हमें जिस महीने का अपडेट होता है तुरंत दे देती है एंड हमारे फोन में जो भी प्रॉब्लम होता है यहां पर फिक्स कर देती है। अगर दोस्तों अगर आपके पास भी वीवो का B23 फोन है तो आप भी ट्रायल वर्जन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब यहां पर बताते हैं नीचे, नीचे मिलता है नेटवर्क, ऑप्टिमाइज द नेटवर्क कैपेबिलिटी यहां पर मिल जाता है, जो कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम था आपको नेटवर्क के अंदर दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहां पर फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट के थ्रू। अब नीचे मिलता है आपको एप्स फिक्स द, तो यहां पर देखते हो फिक्स द इशू एप्स के स्पीकर ऑप्टिमाइज द यहां पर नो दो ऑडियो साउंड इफेक्ट। दोस्तों इसमें जो भी ऑडियो स्पीकर वगैरह में जो भी प्रॉब्लम था यहां पर और भी बेटर कर दिया गया है। यहां पर देख सकते हो कोई भी थर्ड क्वालिटी एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो उसको भी यहां पर इंप्रूव किया गया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हो, अब यहां पर नीचे देखो तो आपको ज्यादा कुछ इसके अंदर चेंजेस नहीं मिलता है, वही है कि घिसा पिटा वायरस वगैरह आपका डिलीट कर देगा जब आपके फोन में अपडेट करोगे। तो अपडेट करने के लिए आपको यहां पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करना है और यह अपडेट आपके फोन में इस तरीके से कंटिन्यू पर क्लिक करोगे और यह अपडेट आपका फोन में डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हो मेरे फोन में इस तरीके से डाउनलोड हो रहा है एंड इस तरीके से आपके फोन में डाउनलोड होगा। उसके बाद क्या होगा कि दोस्तों आपके फोन में जैसे डाउनलोड होगा उसके बाद अपने फोन में आप लोग इसे अपडेट करने के बाद, यहां पर मैं अपने फोन में डाउनलोड पे लगाया हूं तो ये हमारे फोन में डाउनलोड हो रहा है, तो यहां पर मैं अपडेट अभी नहीं करूंगा। लेकिन आप लोग भी अपने फोन में इसे ट्राई कर सकते हो, इस तरीके से आपके भी फोन में अपडेट आ चुका होगा एंड क्या क्या चीज इसके अंदर इंप्रूव किया गया है सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया हूं। तो फाइनली आप भी अपने वीवो के B23 फोन के सेटिंग के अंदर से ट्राई कर सकते हो एंड ट्रायल वर्जन में आप लोग को अपडेट देखने को मिल जाएगा और भी मई के महीने का। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर एंड प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।